इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के कलेक्ट्रेट रोड पर मौजूद हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं जिस तरीके से सामने कलेक्ट्रेट का गेट है। इसके अलावा ये जो रोड है डीएम आवास और एसपी आवास के लिए भी जाता है। आप देख सकते हैं लगातार इस पर किस तरीके से जल भराव हो चुका है। पूरी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हैं और लोगों को काफ़ी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हर बार जब बारिश होती है तो इसी तरीके से जल भराव हो जाता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। बावजूद इसके अभी तक यहाँ की नगर पालिका द्वारा कोई ऐसी काम नहीं किया गया है कि ये जो जल भराव है वो ना हो, और इस संबंध में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से भी ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसके चलते लगातार नगर पालिका की जो ये लापरवाही है इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, यहीं रहते हैं आप? जी भैया। अच्छा, बारिश हुई है और अभी लगभग थोड़ी देर की ही बारिश हुई है तो इतनी जल्दी पानी भर गया है, क्या कहना चाहेंगे? पानी, नाली सब ब्लॉक है, यहाँ की नाली सही करवानी चाहिए, नाली सही नहीं है। नगर पालिका काम करती है ठीक या नहीं करती है? नगर पालिका आती कब, इधर बहुत कम आती है। अच्छा, तो क्या लगता है, लापरवाही है? लापरवाही है भैया, बिल्कुल पूरा भरा हुआ है आगे तक पानी पानी। अच्छा, तो हर बार जब बारिश होती है तो क्या ऐसी भर जाता है? इतना ही भरता है हर बार इतना ही भरता है पानी। आने जाने में दिक्कत है? दिक्कतें तो हो ही नहीं है, अब देखिए ना इतना पानी ऊपर करना। तो कैसे आते हो फिर? ऐसे ही आ रहे हैं जैसे अब आ रहे हैं, क्या करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से हर बार यहाँ पर जल भराव हो जाता है और लोगों को इस पानी में से, गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये जो पानी है इसमें नालों का पानी भी आ रहा है और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गंदा पानी जो है इसमें से ही होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ज़िला प्रशासन इस संबंध में कोई कड़ी कार्रवाई नगर पालिका पर करता है या फिर इसको ठंडे बस्ते में डालकर ऐसे ही चलने दिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए रविशंकर, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।